क्षेत्र के आमागढ़ में लेपर्ड सफारी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आमागढ़ में लेपर्ड सफारी का उद्घाटन प्रस्तावित है। आमागढ़ को जयपुर सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हेरिटेज फॉरेस्ट माना जा रहा है। यहां पर 3 प्राचीन किलों को सफारी ट्रैक से जोड़ा गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वो 3 किले कौन कौन से हैं, किल्लरगढ़, आमागढ़ और रघुनाथगढ़ शामिल हैं। यहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता निर्मल तिवारी ने। आइए आपको दिखाते हैं अरावली की कंदराओं के बीच ऋषि गालव की तपोभूमि और उसको जल्द ही लेपर्ड सफारी के तौर पर तब्दील करने की जो तो प्रक्रिया पूरी चल रही है, व्यवस्थाएं वन विभाग की पूरी टीम है, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, जिस तरह से राजकिशोर जी हैं, तमाम लोग, ये पूरी टीम लगातार मेहनत करी। और ये है रघुनाथगढ़ का प्राचीन किला, और यहाँ जिस तरह से किसी समय या तो असामाजिक तत्व आते थे जो तमाम गंदगी कर रही है, जगह जगह से टूटा पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से काम किया है, श्रवण जी यहाँ पर मौजूद है, पूरी टीम है, जिस तरह से उन्होंने काम किया और लगातार यहाँ एक साफ सफाई का दौर चल रहा है, और जल्द ही योजनाबद्ध तरीके से तमाम कार्य पूर्ण होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आमागढ़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत करेंगे। उससे पहले लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है, जिस तरह से सफारी ट्रैक्स बनाए गए हैं, 4 सफारी ट्रैक्स यहाँ पर बनाए गए हैं। लेपर्ड का जो कहते हैं कि लेपर्ड का जो एक पंजा जो होता है उसके तौर पर जो जिस तरह से यहाँ पर वाटर पॉइंट तैयार किए गए हैं, वो वाटर पॉइंट तैयार किए गए, तमाम आधे दर्जन से ज्यादा वाटर पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं। और उसके अलावा पुरानी जो धरोहर है, पुरानी जो विरासत है, उस विरासत को संजोने का दिन रात काम चल रहा है। जिस तरह से ट्रैक्स को तैयार किया गया, जैसे ही आप गलता से घुसेंगे किल्लनगढ़, किल्लनगढ़ से रघुनाथगढ़, और जल्द ही ये जो पूरा क्षेत्र है इसको आमागढ़ का जो किला है पुराना उससे भी जोड़ दिया जाएगा। जयपुर में हालांकि पहले से झालाना लेपर्ड सफारी चल रही है, लेकिन जिस तरह का काम आमागढ़ में है और जिस तरह का टेरेन यहाँ का है, जिस तरह की वैलीज, जिस तरह की घाटियां यहाँ की हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब पर्यटक यहाँ आएंगे तो उनको एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। वो साथ साथ न केवल वाइल्ड लाइफ सफारी करेंगे, लेपर्ड सफारी करेंगे, साथ ही साथ उनको यहाँ की जो विरासत है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इस तरह के ट्रैक्स तैयार किए हैं जिनमें सीधा यहाँ से जलमहल नजर आता है, यहाँ से पूरा गलता जी नजर आता है, तमाम जो किल्लनगढ़ का किला है, रघुनाथगढ़ और आमागढ़ का किला नजर आता है।